जब ओ भाग बोल रहे थे, ये पकड़ ले, ऐसे नहीं करते बच्चे। चलो एवरीबॉडी, तो हम आ गए हैं ये वाले ब्रिज के पास, जो कि सिसु जैसे ही आप एंटर करते हो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्न मिलेगा और टर्न करेंगे और नीचे ये वाले रास्ते से आप आओगे। तो देर इज अ ब्रिज और इस ब्रिज को क्रॉस करके हम आगे जाएंगे और आगे जाके एक नाला आता है, वहाँ पर हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि टू व्हीलर है तो हम वहाँ पर पार्क करेंगे और वहाँ से फिर हमें ट्रैक करना है टूवर्ड्स वाटरफॉल। और हाँ, एक और तरीका है जिससे कि आप वाटरफॉल, अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो आपको जिप लाइन कर सकते हो। ये रिवर के फ्रंट से जिप लाइन होती है, थोड़ा आगे जाके, यहाँ नहीं होती है, आगे से होती है, बट हमें नहीं करना था तो हम वॉक करके जाएंगे, थोड़ा सा ट्रैक करेंगे, मज़ा आएगा। खाना वाना पैक करके लेके आए हैं, ऊपर जाके आराम से ब्रंच करेंगे। तो ये आई एम सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो। अभी यहाँ पे कुछ पिक्चर विक्चर ले रही है तारिका। ओके लेट्स गो। ओके, तो ये ब्रिज के बाद देयर इज अ रास्ता। अभी एक्चुअली गाड़ी में ये दो लोग हैं, तारिका और भैया, क्योंकि इन लोगों को मैंने बोला गाड़ी लेके आ जाओ, गाड़ी में थोड़ा सामान भी है खाने पीने का। तो यस, अभी यहाँ पर आगे जा रहे हैं, लेट्स सी, आराम से। हाँ, तो एवरीबॉडी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गए हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर आपको अगर कुछ खाना पीना है तो आंटी जी हैं, आओगे तो मैगी वैगी मिल जाएगी, राइट, खाने के लिए, चाय मैगी कॉफ़ी, हाँ ये सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ खाने पीने का अगर नहीं लेके आ रहे हो तो यू कैन हैव समथिंग हियर। और ये रास्ता है, गाइस कम फ्रॉम हियर, अरे हाँ लेके आओ खाने का। तो ये जो है यहाँ से क्रॉस करके जाना है हमको, यहाँ से शुरू होगा। ये भाई पीछे से बताओ, पीछे से नहीं, आप तू जा फिर मैं आऊंगी, देख आराम से फोन पकड़ो, पूरा भीग जाएगा, भीगेगा इसमें पानी पूरा मेरे जैसे, तो पूरी बह जाते हैं। ओके जी, ये हमने क्रॉस कर लिया है, अब फाइनली यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। रास्ता हमें दिख रहा है यहाँ से ऐसे ट्रेल जैसा, तो ऑब्वियसली इस ट्रेल को पकड़ के हौले हौले विल गो। मुझे तो इंतज़ार है जब वाटरफॉल के सामने जाके ऐसे बैठेंगे शांति से ना, वो एक अलग ही मज़ा होगा। वॉटरफॉल Finally guys, we made it, और oh my god, this waterfall so beautiful। जोगनी waterfall के बाद अगर मुझे कोई waterfall like अच्छा लगा है अभी, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो this is this
सिसु वाटरफॉल सब थोड़ा बड़ा है, ये जोगनी से भी बड़ा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लाइक हम थोड़ा एकदम पास जाके नहीं बैठेंगे क्योंकि भीग जाएंगे, बहुत ही पानी ऐसे आ रहा है। व्हाट यू वांट टू से तारिका? नथिंग टू से। व्हाट यू वांट टू से? इट्स अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस एंड लाइक हाइकिंग, सो टू मी इट्स अ गुड वन। ओके एवरीबॉडी, सो हम बढ़िया मस्त खाना लेके आए थे, आलू की सब्जी हमारे पास एंड वी हैव पराठास, सो दैट्स वी आर गोइंग टू हैव हियर। And khakra also, we have bunch of people wherever they go, they carry their khakras along and that's what we are also carrying, but I'm not comfortable here for sure, so I just had to put my bum properly and yeah, aloo ki sabzi aur parathe khaye gaya, let's go. हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं गाइस, हम पैक करा के जो लेके आए थे, आराम से बैठ के बाय दिस व्यू वी आर हैविंग लंच। हैविंग पराठास विद द सेव विद द व्यू। खाना खा लिया और इतना ज़्यादा खा लिया कि अब ऐसे एकदम पड़ गए हैं। हाय, ये मस्त ऐसे बेड जैसा लग रहा है क्योंकि मतलब ऐसे स्लांट वाला जो ऐसे रिक्लाइनिंग वाली चेयर होती ना वैसा लग रहा है, बिकॉज ऑफ ऐसे पूरा ग्रीन है इधर और ऊपर मस्त हल्का सा ऐसे सूरज निकला हुआ है तो बहुत सही लग रहा है। हाँ, मेरे को तो लग रहा है मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर। ओके एवरीबॉडी, तो अब इस जगह से हम वापस जा रहे हैं एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो वाटरफॉल, बस निकल रहे हैं क्योंकि मौसम में थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है और प्रेडिक्शन भी था कि आफ्टरनून में बारिश होगी, तो 12:30 कुछ अराउंड बज चुके हैं, हमने बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया। नाउ वी आर गोइंग बैक, लेट्स गो एंड बाय बाय टू सिसु फॉल। होपफुली बहुत जल्दी आऊँगी और सागर ही देख देख के बहुत जेलस हो रहा है, तो उसको लेकर आऊँगी वापस नेक्स्ट टाइम। या आई नो ही विल एंजॉय दिस प्लेस सो मच, सो लेट्स गो बैक। उसको तो हर जगह पिक्चर ही चाहिए। So with that note, I am ending this video here. Hope you, if you did, then you know what you have to do. Do subscribe to my channel, comment below your beautiful comments, your feedback, suggestion, whatever you feel like, comment section mein batana, and we'll see you with another video very very soon. Till then, tata, bye bye. नमस्ते जी। एट द एंड में बस ये बोलना चाहूंगी कि इफ यू आर कमिंग टू मनाली, गोइंग टू एक्सप्लोर अराउंड मनाली, डू इंक्लूड दिस लोकेशन सिसु इन योर लिस्ट, because it is very beautiful away from hustle bustle of Manali town. Also आप यहाँ पर आके ना आपको थोड़ी सी स्पिति वाली फील आ जाएगी, तो स्पिति तक अगर आप नहीं जा सकते तो यहाँ के लॉन्ग तक आप घूम के आ सकते हो। एंड या विथ दैट नोट आप एंडिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस, इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपके फीडबैक अगर कुछ है, तो विल सी यू विथ अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्ते।